नमस्कार दोस्तों, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोगों को डायमेंसिटी 9200 के ऊपर एक वीडियो चाहिए। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं है तो मैं उन लोगों को बोल देता हूँ, डायमेंसिटी 9200 एक्चुअली डायमेंसिटी जो 9000 प्लस लॉन्च हुआ था उसका डायरेक्ट अपग्रेड वर्शन होगा। मतलब ये जो डायमेंसिटी 9200 मीडियाटेक की तरफ से आने वाला सबसे बेस्ट प्रोसेसर होगा, जैसे कि क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 उसके साथ ही 100% कम्पीट करेगा ये जो डायमेंसिटी 9200। तीसरी, इस वीडियो में आपको इस डायमेंसिटी 9200 का फुल कोर स्ट्रक्चर, क्या स्पीड होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका गिगबेंच स्कोर क्या होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पर नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेटो चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसका नाम क्या होगा। तो ऑफिशियली ये मालूम चल चुका है, इस बार के जो नया वाला प्रोसेसर आने वाला है डायमेंसिटी 9200 इसका नाम होगा। बहुत लोगों का कहना था कि शायद इसका नाम होगा डायमेंसिटी 10000, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इसके सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो पहले ऐसा कहा गया था कि इस बार के जो डायमेंसिटी 9200 ये दुनिया का सबसे पहला 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लास्ट बार जैसे आपको 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे मिल रहा था, इस बार भी एग्जैक्टली सेम 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे मिलेगा, जो कि होगा TSMC कंपनी की तरफ से। और जो लोग जानना चाहते कि जो अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 वो किस नैनोमीटर पे आएगा, तो वो प्रोसेसर भी एग्जैक्टली सेम TSMC कंपनी की तरफ से 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे होगा। तो इसके बाद अगर हम इसके कोर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इस बार आपको ARM वर्षन 9 Gen 2 वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि होगा 1+4+3 कोर स्ट्रक्चर। मतलब एक प्राइम कोर, 4 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 3 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर आपको मिलेगा। और ये एक्चुअली होगा 1 Cortex X3 कोर, 4 Cortex A715 कोर और उसके साथ 3 Cortex A510 कोर आपको मिलेगा। अभी इधर मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ कि ये जो नया जनरेशन जो कोर वो पिछले बारे कोर के मुकाबले कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो जो Cortex X3 कोर वो लास्ट वाले एडिशन के मुकाबले एग्जैक्टली 25% ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन बैटरी एफिशिएंसी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जो नया वाला Cortex A715 कोर वो लास्ट वाले एडिशन मतलब 710 के मुकाबले 20% ज़्यादा पावर एफिशिएंसी देगा, लेकिन 5% ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जो आखिर वाला Cortex A510 कोर वो बस आपको 5% ज़्यादा बैटरी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ग्राफिक्स कार्ड। तो अभी देखिए आप लोगों को ये चीज़ मालूम ही होगा, मीडियाटेक अपने सारे प्रोसेसर में जो माली सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार एक्चुअली एक टोटली नया जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड होगा। तो रिसेंटली मतलब इस साल के जून महीने के आसपास ARM ब्रांड की तरफ से 3 ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ था। एक का नाम है माली G615, दूसरा का नाम है माली G715 और तीसरा का नाम है इमोर्टलिस G715। मतलब अभी एक्चुअली टोटल 2 टाइप का सीरीज है, एक तो है आपका माली सीरीज जो कि नॉर्मल सभी फोन में आपको मिलेगा, लेकिन जो टॉप ऑफ द मॉडल उसमें आपको मिलेगा इमोर्टलिस G715 वाला ग्राफिक्स कार्ड। ये जो नया वाला ग्राफिक्स कार्ड इसमें आपको 16 कोर तक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर इसे जो अभी अवेलेबल स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 अगर उसके ग्राफिक्स कार्ड के साथ कंपेयर करते हो एग्जैक्टली आपको ऑन पेपर 3 गुना बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा ये जो ग्राफिक्स कार्ड लास्ट वाले जो भी माली सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है उसके मुकाबले 15% ज्यादा पावर एफिशिएंसी और 15% ज्यादा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। और जो सबसे मेन चीज कहा जा रहा है कि इस बार का ग्राफिक्स कार्ड प्रोबेबली परफॉर्मेंस के मामले में एड्रिनो के ग्राफिक्स कार्ड को बीट कर सकता है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 या फिर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 दोनों पे आपको वेरिएबल रे ट्रेसिंग का तो फीचर आपको मिलता है, लेकिन वो जो रे ट्रेसिंग वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इनेबल रे ट्रेसिंग है। लेकिन जो इमोर्टलिस G715 वाला ग्राफिक्स कार्ड इसमें आपको हार्डवेयर लेवल रे ट्रेसिंग देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली ग्राफिक्स परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। और हाँ, इधर मैं एक चीज से बोलना भूल गया था, इस बार का जो मैक्सिमम कोर मतलब जो Cortex X3 कोर कहा जा रही है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा 3.2 या पे 3.3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास। और इसके बाद फाइनल अगर हम इसके गिगबेंच स्कोर के बारे में बात करें, तो देखिए अभी तक डायमेंसिटी 9200 का जो गिगबेंच स्कोर वो तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 उसका गिगबेंच स्कोर मालूम चल चुका है। और ये चीज़ तो जरूर को मालूम है, हर बार हमने ये चीज़ देखा है जब मीडियाटेक का कोई टॉप लेवल प्रोसेसर लॉन्च होता है और सेम प्राइस पॉइंट में जब क्वालकॉम का कोई टॉप लेवल प्रोसेसर लॉन्च होता है तो दोनों का जो गिगबेंच स्कोर उस मामले में जो मीडियाटेक डेफिनेटली वो बेटर
मैटर होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नया वाला डायमेंसिटी 9200 आने वाला है, इसका सिंगल कोर में परफॉर्मेंस होगा 1550 के आसपास और मल्टी कोर में परफॉर्मेंस होगा 4600 के आसपास, जो कि एग्जैक्टली जो आईफोन 14 के अंदर जो एप्पल A15 वाला चिप मिलता है उसके एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये जो डायमेंसिटी 9200 इसके बारे में अभी तक यही सारी इन्फॉर्मेशन मालूम चला है। तो अभी आप मुझे क्वेश्चन जरूर बताना, जैसे लास्ट बार जो डायमेंसिटी 9000 जो लॉन्च हुआ था बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर था, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार का जो 9200 वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर होगा। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप सेम प्राइस पॉइंट में स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 ले सकते और सेम प्राइस पॉइंट में डायमेंसिटी 9200 ले सकते, तो आप सेम प्राइस पॉइंट में दोनों प्रोसेसर के बीच में कौन सा चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।